नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, कृषि कीट विशेषज्ञ, त्रिवेणी फर्टिलाइजर ग्रुप ऑफ कंपनी दिल्ली। हमारे किसान भाई हैं, नाम क्या जी आपका? काले जी। काले जी हैं, कौन सा गांव पड़ता है ये? सिवालखास। सिवालखास पड़ता है। एक और मोबाइल नंबर बता देंगे आप? 9634-41-49। ये जो गाँव है इनका जिला मेरठ में पड़ता है, जो गाँव सिवालखास है। और इनके हाथ में आप एक प्रोडक्ट देख रहे होंगे, जो किसान भाई हैं वो भी देख सकते हैं, त्रिवेणी पीकेवी। जैसे कि हमारे हाथ में आप एक प्रोडक्ट देख रहे होंगे त्रिवेणी पीकेवी, जिसके अंदर फास्फोरस, पोटास और बोरान 35-30-8 के अनुपात में जेल के फॉर्म में होता है। हमारे जो किसान भाई हैं काले जी, इसके इन्होंने हमारे जो प्रोडक्ट आता है इनको खेत में लगाया था, स्प्रे के रूप में लगाया था। तो एक बार हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी बताएंगे किस तरह का रिजल्ट है, और जो विकास जी हैं वो भी साथ के साथ जो इनका जो गेहूँ की जो फसल है उसके बारे में भी दिखाएं जी। बताएं कैसा रिजल्ट है जिसका? इसका रिजल्ट है जी, जो इनका की बढ़वार वगैरह, जो इससे पहले जो आपका जो खेत की स्थिति कैसी थी हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसकी बहुत ऐसी थी जैसी बराबर में थी, और 15-20 दिन में ऐसी होगी। 15-20 दिन लगाने के बाद आप देख सकते हैं इनकी गेहूं की जो फसल है, जो पत्तियां हैं एक बार जूम करके भी दिखा देंगे, देख सकते हैं आप किस तरीके से इनकी पत्तियों की जो चौड़ाई है, जो इसके अंदर क्लोरोफिल है वो भी देख सकते हैं कितना अच्छा खासा है। कल्लों की संख्या और जो कल्लों की संख्या है, जो आप तना भी देखेंगे इसका, इस तरीके से देखिए आप तना भी देखेंगे तो काफी अच्छा, जो काफी मोटा और स्वस्थ इनका पौधे का जो गेहूं तना है। बाकी आप सारा एरिया देखेंगे, जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे, जो एक समान आपको सारा खेत इनका ये गेहूं का दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे जो किसान भाई हैं और भाई हैं, हमारे इस प्रोडक्ट को त्रिवेणी पीकेवी को आप लगा सकते हैं, और आपको जो भी फसलें होती हैं जैसे हमारा गेहूं हो गया, सरसों हो गया, धान हो गया, गन्ना वगैरह, आप सब में इसको आप लगा सकते हैं। और इसका लगाने का तरीका दो तरीके से है, चाहे आप इसको स्प्रे में लगा सकते हैं, या आप इसको यूरिया DAP के साथ नीचे मिट्टी में आप इसको डाल सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाएं और त्रिवेणी पीकेवी लगाएं। धन्यवाद।